हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम फ्यूज़न रेसिपी चिली इडली की। मेरे पास कुछ कल की इडली बची हुई थी तो मैंने सोचा कि इसकी चिली इडली बना लेते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इडली को कट कर लिया है। मैंने इस तरीके से शेप में कट किया है, आप अपने पसंद का शेप कर सकते हैं। और अब हम इसके लिए एक बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर के लिए हमें 1/4 कप मैदा ले लेना है, 2 चम्मच हमें कॉर्नफ्लावर ले लेना है और 1 चम्मच हमें राइस फ्लावर ले लेना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देना है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें पानी डालना है। इडली को कोट करने के लिए मैंने बैटर तैयार कर लिया है। हमारा तेल गरम हो चुका है और अब हम कटी हुई इडली को बैटर में डिप कर करके इसमें फ्राई कर लेंगे। और हमें इडली को मीडियम फ्लेम पे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। हमारी इडली फ्राई हो चुकी है और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने इडली फ्राई करके अलग रख दी है और अब हम इसके आगे की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और मैंने वेजिटेबल्स भी चॉप कर ली है। तो मैंने थोड़ा सा अदरक ले लिया है, लहसुन ले ली है, मैंने हरी मिर्च ली थी जो कि लाल है, स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट है मैंने वो ले लिया है, मैंने बड़ी बड़ी प्याज काट ली है, मैंने शिमला मिर्च भी कट करके रख ली है। और अब हम सारी चीज़ों को पैन में डालते हैं और अब हम प्याज डाल देते हैं, शिमला मिर्च डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे, 2 चम्मच हम टोमेटो केचप डाल देंगे, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और 1.5 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब इसमें 4 से 5 चम्मच पानी डाल के इसकी स्लरी बना लेंगे। इस स्लरी को हम वेजिटेबल में डाल देंगे। अब हम गैस बंद करके हमारी फ्राइड इडली इसमें डाल देंगे। और सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे। अब इसमें हम हमारी कटी हुई स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म चिल्ली इडली एकदम रेडी है। आप भी इसे घर में बनाइए और आपको ये कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जल्दी ही मिलते हैं हम एक नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।